हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है अर्ली मॉर्निंग का, अर्ली तो नहीं कहूँगी, हाँ 9-10 बजे के आसपास का क्लिप है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले हमें पता चला कि ताइवान में बहुत तेज़ भूकंप आया हुआ है। हम लोगों ने फटाफट भाई को कॉल किया और उसे बात करके थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि उसने बताया कि भूकंप तेज़ था लेकिन जहाँ वो रहता है वहाँ पे स्पीड इतनी तेज़ नहीं थी और अभी सब नॉर्मल है और वो ऑफिस में है। तो उसने कहा कि आप सब लोग रिलैक्स करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो हम लोग आए हैं कानपुर के ब्लू वर्ल्ड और मैं कभी भी वाटर पार्क नहीं गई हूँ, तो एक तरीके से देखा जाए मेरा और शिवांशी का फर्स्ट टाइम है वाटर पार्क में और मैं बस बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि हम लोग जल्दी से वाटर पार्क पहुँचे और मैं और शिवांशी ढेर सारी मस्ती करें। और यहाँ पर ये प्राइस लिखे हुए हैं, हर दिन के हिसाब से प्राइस चेंज है। अम्यूज़मेंट पार्क का अलग है, वाटर पार्क का अलग है, फुल पार्क का अलग है। और यहाँ पर ये मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, जब आप फुल पार्क की टिकट लेते हैं तो उसमें इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। बुफे होता है बेसिकली खाने का। सो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं ब्लू वर्ल्ड में और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि शुरुआत में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो ये एक बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन पड़ता है और शिवांशी तो आप जानते ही हैं पानी देख करके कितना परेशान होने लगती है, उसको मन कर रहा था वो जा करके वहीं पर नहाना शुरू कर दे। तो लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और मेरा मन किया मैं फटाफट से यहाँ पे वीडियोस और फ़ोटोज़ निकालूं, क्योंकि शिवांशी नहीं मान रही थी, उसका मन कर रहा था, वो बार बार पानी के अंदर जाना चाहती थी। तो मैंने फटाफट से फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किया और हम लोग बढ़ गए आगे की तरफ। तो जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो हम लोगों ने देखा कि ये राजस्थानी लोग हैं, शायद इन्हें राजस्थानी कहते हैं या बंजारी कहते हैं, ये लोग डांस कर रहे थे और ये एक बंदा वहाँ पे खड़े होकर के हाई कर रहा था और डांस के लिए बुलाने लगा। तो मैंने सोचा चलो मैं और शिवांशी डांस करते हैं। पहले तो मैं चली गई, फिर उसके बाद में शिवांशी भी आ गई और उसने हम लोगों को ज्वाइन किया।
तो थी हमारी फर्स्ट राइड और बच्चों की तरह हरकतें करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी भाग भाग करके सारी राइड्स एंजॉय कर रही थी। और अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट राइड पर। मुझे लगता है बचपन में जो हम लोग वो गोल चक्री वाला झूला झूलते थे, ये उसका शायद एक्सपेंडेड फॉर्म है। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की ये वाली भी राइड। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वेल, इस वाली राइड में मैं आपको पूरा इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि ये वही राइड है जो एकदम से ऊपर जाती है और एकदम झटके से वो लोग छोड़ते हैं और नीचे आती है। सो मुझे डर था कहीं फ़ोन ना गिर जाए, इसलिए मैंने बीच में वीडियो ऑफ कर दिया। और यहाँ शिवांशी अपने मामा के साथ में राइड करती हुई, उसे बड़ा मज़ा आया इस कार में। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम में सारी कार्स फुल हो गई थी, तो मैंने सेकेंड राउंड में शिवांजी के साथ में कार राइड की और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, तो सेकेंड टाइम में मैंने उसको अपने साथ में बिठा लिया। वेल, मैंने कोशिश तो यही की कि मेरी गाड़ी किसी से बम्प ना हो और मैं काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी रही। मुझे ना अपनी ड्राइविंग पे प्राउड फील हो रहा था कि मैं इतना अच्छा ड्राइव कर लेती हूँ। Wow! बहुत सही, बहुत सही। क्या बचाई तुमने गाड़ी अपनी। वेल, ये जो टक्कर थी वो मैंने जानबूझ के की थी और मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि ये टक्कर इतनी ज़ोर से होगी, क्योंकि इस टक्कर के बाद में हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हिल गए थे। मुझे थोड़ी देर तक तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने अभी अभी ध्यान दिया जब मैं एडिटिंग कर रही थी कि जिस तरह की मेरी ड्रेस थी ब्लू कलर की, उसी तरह की मुझे कार भी मिली थी। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझे ब्लू कलर इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है। और कभी भी कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली मुझे ब्लू कलर ही मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे तो पूरा ही ब्लू वरना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हमें जहाँ जहाँ पे भी लोकेशन बहुत सुंदर सी दिख रही थी, हम लोग फटाफट से ना फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते थे।
वेल आगे हम लोग बढ़ चुके हैं खतरनाक से राइड के लिए। इसमें मुझे सच में बहुत डर लगता है, मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर जो मेरी नीस है और मेरी दी है उन्होंने कहा नहीं चलते हैं साथ में, मज़ा आएगा। खतरनाक राइड थी जो अभी मैंने की है, बस जान लेकर के निकली हूँ, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं। सो फाइनली हम लोग उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से वाटर पार्क की एंट्री होती है, और वाटर पार्क में हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की, शिवांशी ने कितनी मस्तियाँ की वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि व्लॉग ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मुझे व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। सो यही तक था आज का हमारे व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।